हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूंग दाल से मठरी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये देखिए, ये एक कटोरी मूंग दाल है। हम इस कटोरी से लिए थे, इसे 2-3 घंटे पानी में भिगो कर रखें तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है फूलकर। तो ये एक कटोरी मूंग दाल है, इसे हम अच्छे से धोकर और इसका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सर में। दाल से सारा पानी निकाल लेना है हमें, और इसे देखिए मिक्सर जार में हम डालेंगे। इससे बिल्कुल बारीक पेस्ट हम तैयार करेंगे। अगर इसमें हमें पीसने समय थोड़ा पानी की जरूरत महसूस होगी, हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तो हम डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। देखिए सारा दाल से हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं, अब इसे साइड में कर देंगे। अब हमें 1 कटोरी आटा चाहिए। इसी कटोरी से हम दाल लिए थे, इसलिए सारा कुछ हम एक ही कटोरी से लेंगे। 1 कटोरी ये गेहूं का आटा है, और इसी से हम 1 कटोरी मैदा लेंगे। ये 1 कटोरी मैदा है, इसे भी इसमें डालेंगे गेहूं के आटे में। ये 1 चम्मच अजवाइन है, इसे डालेंगे। ये 1 चम्मच कलौंजी है, इसे मंगरेल भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये भी डालेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये 2 बड़े चम्मच घी है, इसे पिघलाकर इसमें डालेंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घी की जगह हम तेल भी डाल सकते हैं आप, और इसे अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, तभी हमारा मठरी खस्ता बनेगा। देखिए हम इसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके मिक्स कर रहे हैं। देखिए कम भी अगर हम इसमें मोयन डालेंगे, मगर ऐसे ऐसे करके हम लोग ऐसे घस कर मिक्स करेंगे आटे में, तो ये खस्ता बनेगा कम मोयन में भी। देखिए मुट्ठी बंधा जा रहा है, ये हमारा मोयन बिल्कुल ठीक है इसमें। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दाल का पेस्ट तैयार किए थे, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम आटे में डालेंगे और इसे आटा तैयार करेंगे। एक ही साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करना है। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, दाल के पेस्ट से ही आटा गूंथ कर तैयार किए हैं। और हमें इस तरह का आटा चाहिए, न ज्यादा गीला और न ज्यादा टाइट। ये देखिए बिल्कुल सही है। अब इसे हम क्या, आटे को रेस्ट करने के लिए रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमें क्या करना है, ये 4 बड़े चम्मच हम तेल लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और इससे एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, ये पेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होगा इससे, और ये हमें मठरी बनाने में यूज करना है। देखिए हमें इस तरह से इसका पेस्ट तैयार करना है। ये तैयार हो गया है, देखिए 20 मिनट हमारा हो चुका है। एक बार आटे को चेक कर लेते हैं और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया, अब हमें क्या करना है, इसे लोई लेंगे। देखिए इतना थोड़ा साइज का लेंगे। ये देखिए इतना साइज का लेंगे, बाकी आटे को हम ढक कर रख देंगे। इसे हम बेल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे, जरूरी नहीं कि हम इसे गोल ही आकार दें। देखिए इस साइज में इतना पतला हमें बेलना है। अब हमें क्या करना है, ये जो पेस्ट हम तैयार किए थे, इसे इस पर
चारों साइड से फैलाकर इस पे लगाना है हमें। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं या चम्मच से, हाथ से, सभी से। हम इसे हाथ से ही फैला रहे हैं, मेरे पास ब्रश नहीं है। इस तरह से हम फैला देंगे हाथ से भी, ठीक होता है ये। ये पेस्ट हम फैला चुके हैं चारों साइड। अब हमें क्या करना है, पहले हम इधर से उठाएंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे इसे बिल्कुल दबाते हुए, इसके बीच में हवा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे साइड से भी इसे उठाकर ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर से ऐसे हम इस पर फोल्ड कर देंगे। इसे भी ऐसे दाब कर हम इसके बीच से हवा निकाल लेंगे। फिर वापस से ये पेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए तेल फैला दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस साइड से उठा के हम यहाँ रखेंगे और बिल्कुल दबा के इसके बीच से हवा निकाल देंगे। और इस साइड से भी उठा के हम ऐसे रख देंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से हम इसे रख के ऐसे दबा देंगे। इस तरह से सेफ हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसे वापस बेलना होगा। देखिए इसे इस शेप में अब बेल लिए हैं और इस पे वापस हम ये पेस्ट लगाएंगे, ऐसे फैला देंगे। इससे हमारा मठरी कल अच्छा, बहुत ही अच्छा बनेगा और खस्ता भी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए हम तेल फैला चुके हैं। अब इसे हम वापस फोल्ड करेंगे, इस साइड से हम उठाएंगे और इसे इस पे रखेंगे और बिल्कुल हवा निकालते हुए इसे दबा देंगे। फिर वापस हम इस साइड से भी उठाएंगे और इस पे रख देंगे। इस तरह से ये देखिए तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, हम घुमाकर वापस फिर बेल लेंगे थोड़ा। ये इसे बेल लिए हैं, पहले इसका किनारे साइड थोड़ा हम काट कर निकाल देंगे। अब हम इस साइज से अपना जितना हमें साइज चाहिए उसके अनुसार इसे कटिंग कर देंगे। और इधर साइड से हम ऐसे कटिंग करके इसे निकाल देंगे। इसमें परत बन गई है। जब हम इसे तलेंगे तो ये लच्छा खुल जाएगा, तो मठरी हमारा बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब देखिए अब हम मठरी तलेंगे, इसमें एक एक करके मठरी डालेंगे। ये बिना फिल्टर किया हुआ तेल है, इसलिए इसमें इतना झाग बन रहा है। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही सेकने देंगे, अभी हमें इसे चलाना नहीं है, तो लच्छा हमारा अच्छे से खुलेगा। ये देखिए अब इसे हम पलट देंगे। एक एक करके सभी को हमें पलट देना है। देखिए ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारी मठरी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल खस्ता। हम आपको दिखाते हैं तोड़ के। देखिए
ये बिल्कुल चूर हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल खस्ता मठरी बनी। ये भी देखिए, ये जो हम फूल बनाए थे फ्लावर, इसमें भी लच्छा अच्छा बना है। हम तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए